शीत सत्र 2023 के दूसरे दिन भी किसानों के मुद्दों से गूंज उठा। इस दौरान विपक्ष ने सभा त्याग किया तो वहीं सदन के बाहर सीढ़ियों पर निषेध सभी विपक्षी दलों ने किया। साथ ही विविध मुद्दों से सदन गूंज उठा। वहीं 6 मोर्चों ने विधान भवन पर दस्तक दी। दूसरे दिन का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अभिषेक पांसे और क्षितिजा देशमुख ने। आइए डालते हैं एक नजर। शीत सत्र 2023 का आज का दूसरा दिन था और आज के दूसरे दिन भी विरोधक जो है आक्रामक होते दिखाई दिए किसानों के मुद्दे को लेकर। और आज भी जो है विपक्ष द्वारा जो है सभा त्याग किया गया इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि विपक्ष का कहना ये था कि सभा में जो है मुद्दों को लेकर विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। और इसी के संदर्भ में सभी ने सभा त्याग किया और सभी नेता जो है और विधायक ये बाहर आए थे और बाहर आकर उन्होंने विरोध भी सत्ता पक्ष का किया है। सिद्धि जी, और एक बात हुई आज के जो सत्र का दूसरा दिन था, पहले दिन भी विधायक जो नवाब मलिक थे वो सभा कल विधान भवन परिसर में आए थे, विधान सदन में जाके बैठे थे। उसके बाद विरोधों ने सत्ता पक्ष पर प्रहार किया था और देवेंद्र फडणवीस ने भी उसका जवाब दिया था। उम्मीद जताई जा रही थी और ये भी देखा जा रहा था कि नवाब मलिक की आज की भूमिका क्या होगी, लेकिन नवाब मलिक आज सुबह विधान भवन परिसर में आए हैं। जो राष्ट्रवादी अजीत पवार को जो कार्यालय दिया है वहाँ पर बैठे, लेकिन कुछ देर के बाद उन्होंने विधान भवन भी छोड़ दिया, वो बाहर निकल गए। दूसरी बात ये थी कि मराठा आरक्षण के लिए भी मांग बढ़ती जा रही है। अपने विधान भवन परिसर के जो एंट्रेंस है वहाँ पे मराठा समाज की ओर से बैनर भी लगाया गया था मराठा आरक्षण की मांग को लेकर। बिल्कुल, और इसी के साथ जो है बाकी सभी जो विधायक है अपने अपने मुद्दों को लेकर जो है सदन में हंगामा हमें देखने को मिला। साथ ही साथ जो है आज का जो शुक्रवार था इस दिन जो है कल तो सत्र नहीं होगा, 2 दिन की छुट्टी है, और उससे पहले जो है कई विधायक जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ आक्रामक होते हुए दिखाई दिए। कई लोगों की जो है मांग जो समस्याओं का हल भी यहाँ हुआ है। साथ ही साथ एक बताने वाली ये बात है कि कांग्रेस द्वारा जो है आज आंदोलन किया जा रहा था युवकों के बेरोजगारी को लेकर, और वहाँ जो है नाना पटोले गए थे। वहाँ पूरे आंदोलन के दौरान आंदोलन थोड़ा सा भड़क गया और वहाँ पे जो है नाना पटोले और कई नेताओं को वहाँ से हिरासत में भी लिया गया। ये भी एक सुर्खियाँ बटोरने वाली बात है। हालांकि ये विधानसभा क्षेत्र से बाहर हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ से ये नेता लोग जो थे सब वहाँ गए थे अपनी कामकाज ख़त्म कर। और बाकी जो है मिला जुला एक आज का दिन था। अभी सोमवार को क्या होता है, कौन से मुद्दे यहाँ उठाए जाते हैं और कैसा ये तीसरा दिन जो है शीत सत्र का होता है, ये भी एक देखने वाली बात है। इसके साथ ही सीधे मैं आपको बता दूं कि कल भी एक कांग्रेस का मोर्चा निकला था सफाई कर्मचारियों के लिए बंटी शेके के नेतृत्व में। आज भी जो कांग्रेस का मोर्चा निकाला गया कुणाल राउत के नेतृत्व में, वो भी थोड़ा सा आक्रामक हुआ था। उनकी मांग थी कि जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से रोजगार मेवा लिया जा रहा है तो उसमें हमें भी शामिल किया जाए। कल उसका एक औपचारिक उद्घाटन नागपुर में होने वाला है। अमित शाह जो केंद्रीय मंत्री है वो आने की आशंका जताई जा रही है। तो इसी कारण से जो आज का जो आक्रामक हुआ था, नाना पटोले और दिग्गज नेते इस आंदोलन में शामिल हुए थे, कुछ समय के लिए आक्रामक हुआ था। उसके बाद नाना पटोले ने वहाँ पे थिया आंदोलन किया, उसके बाद कुछ देर के लिए उनको गिरफ्तार किया गया वहाँ। बिल्कुल, और जैसे कि हम देखते हैं कि विधानसभा विधान परिषद में जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष जो रहते हैं एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप की जो ये सब सिलसिला चलता है, इसी बीच विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता इनका एक मिला जुला या एक हंसी मजाक ठिठोरे का ये जो रूप भी यहाँ सदन के बाहर सीढ़ियों पर हमें देखने मिला, जिसमें कुछ शिंदेगढ़ के नेता थे और उबाटा के नेता थे। ऐसा एक ओवरऑल ये भी हमें एक दृश्य यहाँ देखने मिला जिससे थोड़ी सी जो गर्माहट जो पैदा हो गई थी, जिस तरह से राजनीतिक वातावरण यहाँ गर्माया गया था, उसमें कहीं ना कहीं ठंडक भी हमें देखने मिली। और सभी मुद्दे जो है यहाँ आज का दूसरा ही दिन था तो जिस तरह से आक्रामकता थी तो किसानों के मुद्दे को लेकर ही विपक्ष जो है 2 दिन आक्रामक दिखाई दिया। अब तीसरे दिन देखना होगा कि कौन से मुद्दे जो है सदन में उठते हैं। मराठा आरक्षण का मुद्दा जो है सोमवार को और यहाँ पे जो है दस्तक देने वाले हैं और गूंज जो है मराठा आरक्षण की मुद्दों से होने वाली है। साथ ही साथ मोर्चे जो है पहले दिन 3 मोर्चों ने दस्तक दी थी, आज 6 मोर्चों ने दस्तक दी है, और देखना होगा कि अब सोमवार यानी तीसरे दिन क्या होता है।
है।